कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। कार्तिक में इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अभी मैं आपको कार्तिक उद्यापन की भी विधि विस्तार पूर्वक आपके पास तक भेजने के लिए जा रहा हूँ। तुलसी सालराम भगवान के विवाह की कितनी बड़ी महिमा है यह है भी आपके पास में ये वीडियो पहुँचेगी। तो कार्तिक के महीने में कुछ एक विशेष बातें हैं, वह आप सुन लीजिए। तिलदानम नदी स्नानम सर्वदा साधु दर्शनम भोजनम ब्रह्मपत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायकम। कार्तिक के महीने में यदि इतना काम कर लिया जाए, क्या तिल का तो दान हो जावे और नदियों का स्नान और महापुरुषों का दर्शन सत्संग। भले ही आप एक दिन के लिए जाएं, अपने गुरुजनों से महात्माओं से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जाए। भोजनम ब्रह्मपत्रेषु, पलाश की पत्तियों पर यदि आप भोजन, विशेष रूप से जो कार्तिक नहा रहे हैं उनके लिए पत्तल पर ही भोजन करने की बात कही गई है। मौनी पलाश भोजीचा जलस्नायी सदाक्षमी कार्तिके चितक साई नान्यता पापम विवार्जितम। वह लोग एक युग के पापों को समाप्त कर लेते हैं। बेटा, वो लोग एक युग के पापों को समाप्त कर लेते हैं जो मौन होकर के भोजन करते हैं, नदी में स्नान करते हैं और धरती पर सोते हैं, सत्संग करते हैं, उनका एक युग का अपराध समाप्त हो जाता है। कार्तिके चतुशाई, कार्तिक में धरती पर सोना इतना शुभ है, मैं भी रोज़ ज़मीन में ही सोता हूँ। हन्यात पापम युगार्जितम, पूरे एक युग के अपराध उनके समाप्त हो जाते हैं। तो कार्तिकाय मातम में जागरणम कार्तिके मासी या करो तरुणोदय दामोदराय सेनान्यो गो सहस्रफलम लभेत। देखो कितनी सुंदर बात कही है और पहली बार बोल रहा हूँ। जो इस कार्तिक के महीने में दिन में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोते, उन्हें 1000 गायों के गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ये कार्तिक की महिमा है। जो कार्तिक महात्म में सुन रहे हैं, कार्तिक पूजन कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है बात जो कही जा रही है। जागरणम कार्तिके मासी यह करोत अरुणोदय, जो अरुण उदय यानी सूर्य उदित के बाद में जागृत यानी जागरण सो नहीं रहे हैं, जागे हैं। दामोदराग्रे सेनानी लिखा गया है कि भगवान दामोदर नाथ की कृपा से, भगवान गोविंद की कृपा से गौ सहस्र फलम लभेत, वह लोग 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त कर रहे हैं। दिन में जागने का इतना बड़ा महत्व है। पितृपक्षे अन्नदाने ज्येष्ठ साढ़े चवारणा कार्तिके तत्फलम पुंसाम प्रदीप प्रबोधनाथ। वर्णन किया गया पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से, जेठ और अषाढ़ और बैसाख के महीने में प्यासे को पानी पिलाने से जो फल मिलता है उससे भी ज़्यादा कार्तिके तत्फलम पुंसाम प्रदीप प्रबोधनाथ। कार्तिक के महीने में दीप जलाने से, दिए जलाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस वीडियो में कुछ विशेष बातें हमने आपके बीच में रखे। नदी स्नानम कथा विष्णु वैष्णवानाम च दर्शनम, तीन बातें बड़ी अद्भुत है। नदी स्नानम, नदियों में स्नान हो जाए कार्तिक के महीने में, भगवान विष्णु के मंदिर की सेवा मिल जाए और वैष्णवों का दर्शन हो जाए। लवानिया जी, ये तीन ही चीज़ें व्यक्ति का कल्याण कर देंगी, आनंद हो जाएगा। वानप्रस्था भविष्यन्ति ग्राम्याहार परिग्रहा, जितने भी वानप्रस्थी लोग हैं सुन पा रहे हैं, अब अपने खाने पीने की ज़्यादा चिंता ना कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन कर सकें, प्रभु का नाम ले सकें तो ही ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा मुट्ठी भर जीवन बचाए, जिंदगी कब चली जाए पता नहीं है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वाभावे ईश्वर का त्याग ना करे, भगवान ईश्वर से जुड़ करके रहे। आज तारीख हो गई है 4 है, आज है 4 नवंबर है और दिन है सोमवार। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज का दान है, काय का दान है, आज का दान है चंदन का दान, जिसकी बड़ी महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। चंदन के दान की बात कही गई है। तो कार्तिक में जो 30 दानों की बात कही गई है उसमें चंदन को भी एक विशेष रूप से लिया गया है। तो आप आश्रम के साथ जुड़ करके भी ये कर सकते हैं, जहाँ आपका मन हो वहाँ आप कर सकते हैं। इसमें बड़ा सुंदर सा श्लोक था चंदन को लेकर के। दानों में कार्तिक के मास में दानों में एक विशेष दान है, सर्व काम फलम तस्य सर्व तीर्थ फलम लगे। तो ये सुन लीजिए, चंदन का दान संपूर्ण तीर्थों का फल प्रदानित कर देता है। चंदन हो, गोपी चंदन हो, गोपी चंदन की तो बहुत ज़्यादा महिमा है इस महीने में, हो सके तो ये आप जरूर कर लेना। तुलसी वन आश्रम भी बहुत बड़े बड़े दान करता है, इस महीने में कर रहा है, उसमें एक चंदन दान भी है। सहयोग वही है जो रोज का है, एक दिन का, पूरे महीने का तो सिर्फ 6000 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आप पूरा सुनते हैं तो यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचिए। धन्यास्ते मानवा लोके कल काले विशेषता,
कलयुग में वो लोग बहुत धन्य हैं जो उपवास व्रत करते हैं, इन महीनों का महात्म्य समझते हैं। कुर्वन्ति स्कंद नित्यम ये सर्वथा हरि सेवनम, क्या लिखा है कि जो किसी की निंदा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, उनको प्रत्येक क्षण में भगवान नारायण की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए निंदा करने से बचिए। वैसे भी रामायण में वर्णन है उत्तराखंड में, जो निंदक हैं, जो निंदा करते हैं, ऐसे लोग चमगादड़ बनते हैं। गाँव में जैसे छछुंदर बोल देते हैं, हैं चमगादड़ ही बोलते हैं। हाँ, तो चमगादड़ तो एक ऐसा जीव है जो स्वयं की विष्ठा खाता है, बड़ा अपवित्र है। तो मैं निवेदन करूँगा, यदि दुर्गुण देखने हैं तो स्वयं के देखिए, और गुण देखने हैं तो दूसरों के देखिए। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बात हमें आपके पास तक पहुंचानी थी, और आपने ये वीडियो पूरा सुना तो बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। वीडियो की दक्षिणा यही है कि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, और नित्य भगवान के साथ जुड़ करके रहिए, यही जीवन का आनंद है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। 9 नवंबर गोपाष्टमी, श्रीधाम वृंदावन गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, आइए हम और आप सब मिलकर गौ माता का पूजन करेंगे। नाक में डालने के लिए घी लेकर के जाइए, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।